हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीएसआईआर नेट सितंबर 2022। तो फैब 2022 के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे सितंबर 2022 के, ठीक है। पार्ट बी के हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम पार्ट बी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम पार्ट सी कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सितंबर 2022 में लीनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस आए थे? टोटल 14 क्वेश्चन आपके पास आए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके कहाँ से थे? पार्ट बी से थे, ओके। और 8 क्वेश्चन आपके कहाँ से थे? पार्ट सी से। तो आई थिंक ओवरऑल आपके 56 मार्क्स का आया था टोटल सितंबर 2022 में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 5x5 ऑर्डर की है ओवर ए फील्ड एफ। सपोज दैट करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर दी सेम। आपके पास एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है? 5 ऑर्डर की, ठीक है। और उसने क्या कहा कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है? इन्वर्टिबल है। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सपोज दैट द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। मैं यहाँ पे एक 5x5 की मैट्रिक्स चूज़ करती हूँ जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स चूज़ की ए माइनस 1, 0, 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
इज ए माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। आपके पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है ए क्या है, इन्वर्टिबल भी है और करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए एंड ए इनवर्स इनकी सेम होगी। आप निकाल के देख सकते हो, अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इन्वर्टिबल भी होगी और करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो ए की और ए इनवर्स की होगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालूँ ए का तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, अभी देखिए यहाँ पे ओड ऑर्डर की है ना, ओड ऑर्डर की है और जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सारी की सारी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ 1। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालूँ तो वो क्या आएगा, 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 1, ओके। अब इसी से हम अदर ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 5 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका क्या होगा, फॉल्स। एंड द ऑप्शन थर्ड, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेस की बात करूँ, ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 5। एंड द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, 5। एंड ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर 5 क्या आएगा, माइनस ऑफ 5। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज़ फॉल्स एंड द ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे बचता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। पार्ट बी के आपके ये क्वेश्चंस है तो सिर्फ एक ऑप्शन ही यहाँ पे ट्रू होगा,
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, सपोज ए एंड बी आर सिमिलर रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जैसे ही सिमिलर वर्ड का यूज़ हुआ, ए एंड बी आर सिमिलर रियल मैट्रिसेस, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनकी कुछ ना कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो दोनों की सेम होती है, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। मैं यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देती हूँ, याद रखना ठीक है। नोट, इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिक्स देन सम बेसिक प्रॉपर्टीज आर सेम। अब वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फॉर एग्जांपल क्या होंगी बेसिक प्रॉपर्टीज़, ट्रेस, ठीक है, ट्रेस दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम आइगन वैल्यूज होंगी, सेम मिनिमल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी रिजल्ट से आप ऑप्शंस भी रिजेक्ट कर सकते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते कंप्लीट। सपोज ए एंड बी आर सिमिलर रियल मैट्रिसेस, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस सच दैट ए इज इक्वल टू एस बी ए इनवर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा था। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अगर आपके पास ए और बी दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस सच दैट, तो क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए इज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स। यहाँ पे ए इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स गिवन है, ए हमें नहीं बोल रखा कि ये इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, तो हम नहीं बोल सकते कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना, क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमिलर टू ट्रांसपोज ऑफ बी, ओके। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स। मैं बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एस इनवर्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एस ट्रांसपोज इनवर्स, ये हम कर सकते हैं, बिकॉज एस ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स ट्रांसपोज, ओके, बी ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर आपके पास एस इन्वर्टिबल है तो एस ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज सिमिलर टू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें यही दिखाना था ना, ये सिमिलर कब होगी, यहाँ पे सिमिलर कब होगी, कि इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस ट्रांसपोज दैट, कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ए ट्रांसपोज सिमिलर टू बी ट्रांसपोज, ओके। ये ध्यान रखना
कि अगर एस इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इफ़ एस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन एस ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है आपकी, ट्रू है, और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या है, इनकरेक्ट। क्योंकि इसने क्या कहा है कि इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। अब फर्स्ट तो अपनी ट्रू हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि हमें जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। आगे देखिए कि सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, सेकंड ऑप्शन आप कैसे करोगे। अभी मैंने जो नोट लिखवाया था यहाँ पे सिमिलर मैट्रिक्स का, उसी की हेल्प से आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन होगा। मैंने नोट क्या लिखवाया था, अगर आपके पास दो सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स होंगी वो क्या होंगी, सेम। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज सेम एज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, तो ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इज आल्सो ट्रू, देन ये भी नहीं आएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, द रेंज ऑफ ए इज सेम एज द रेंज ऑफ बी, यहाँ पे मैं ए और बी चूज कर लेती हूँ, वी चूज ए इज इक्वल टू 1000 एंड बी इज इक्वल टू 0001, देन रेंज ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, टू ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपके पास है 1000 एंड एक्स एक्स वन एक्स टू, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स वन जीरो। ठीक है, अब रेंज ऑफ बी इज इक्वल टू बी एक्स, बी आपके पास क्या है, 0001 एक्स वन एक्स टू, तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो एंड एक्स टू। दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ ए नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ बी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसमें रेंज ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ बी है। और हाँ, एग्जाम्पल्स उठाते टाइम ये ध्यान रखना कि जो जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों की दोनों सिमिलर है यहाँ पे। ठीक है, दोनों की दोनों सिमिलर है, इसीलिए हमने ए और बी को ऐसे चूज किया है। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, और अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सपोज ए इज रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका रैंक कितना है, आर। ठीक है, और ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, एन। ठीक है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, वट इज़ द डायमेंशन ऑफ वी। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है वो कैसे डिफाइन किया है इसने, वी बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करती हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करती हूँ यहाँ पे, आर एन क्रॉस एन टू
आर एन क्रॉस एन, ठीक है, आर एन क्रॉस एन पे मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करती हूँ यहाँ पे, किस टाइप से डिफाइन की है, टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ पे इसने जो वेक्टर स्पेस ये यहाँ पे डिफाइन किया है वो क्या है, एक टाइप से नलिटी ऑफ टी ए, है ना। अगर आप ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नलिटी ऑफ टी ए डिफाइन करूँ तो ये क्या है एक टाइप से, यहाँ पे क्या है ये, अगर मैं नलिटी यहाँ पे डिफाइन करती हूँ क्या है, देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एन सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही है। देन डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी ए क्या आएगी, नलिटी ऑफ ए इंटू एन। अब नलिटी ऑफ ए क्या है, अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए आपके पास क्या है, आर, दिस इम्प्लाइज नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस आर, तो यहाँ से क्या आ गया, एन इंटू एन माइनस आर, दिस इम्प्लाइज एन स्क्वेयर माइनस एन आर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पे देना है, जो आपके पास ये वी डिफाइन किया है यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये नलिटी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है इसने, नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लेनी है, आर एन टू आर एन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट वन। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट वन। वी इसने क्या डिफाइन किया है, वी के अंदर पॉलिनोमियल्स है कितनी डिग्री की, एट मोस्ट वन, यानी कि ए एक्स प्लस बी, और ए बी कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से। जो वेक्टर स्पेस है वो इसने इस टाइप से डिफाइन किया है, कंसिडर द बाइलिनियर फॉर्म वी क्रॉस वी टू आर गिवन बाय, और जो बाइलिनियर फॉर्म है इसने कैसे डिफाइन की, एफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर सी बिलोंग्स टू वी आर सॉरी द वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स क्या हैं, द वेक्टर्स ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, अब ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल, तभी हम बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो इसने स्टेटमेंट में क्या कहा कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स ए बी देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर्स ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी आर ऑर्थोगोनल। ओके, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए हमें पक्का एक सी मिलेगा, हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जीरो टू वन
ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ से क्या आएगा, जीरो टू वन ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी और यहाँ से डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, जीरो टू वन, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ए सी एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस बी एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस बी सी एक्स और यहाँ पे जीरो टू वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आएगा ए बाई थ्री प्लस ए सी बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो टू ए प्लस थ्री ए सी प्लस थ्री बी प्लस थ्री बी सी इज इक्वल टू जीरो। टू ए प्लस थ्री बी और यहाँ से थ्री सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये सिक्स आएगा, टू बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू माइनस थ्री सी ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, सॉरी, अब यहाँ पे अगर मैं ए को चूज कर लेती हूँ माइनस वन एंड बी को ले लेती हूँ वन बाई टू, तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया, जीरो। यहाँ पे सी की वैल्यू ही नहीं मिलेगी हमें, लेकिन इसने क्या कहा था कि फोर ऑल ए बी के लिए हमें क्या एक सी मिलेगा जिसके लिए ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू माइनस वन ले लेती हूँ और बी की वैल्यू वन बाई टू ले लेती हूँ, तो सी तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, सी की हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही ना कि कुछ स्पेसिफिक। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब उसके बाद हम ऐसे ही अदर ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार ऑप्शंस राइट कर देती हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया है ऐसे ही आपको अदर ऑप्शंस को चेक करना है। ऑप्शन सेकंड क्या है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स बी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स सी सच दैट द वेक्टर एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू वी आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, ऐसे ही आप जब ऑप्शन बी को चेक करोगे तो ये भी आपका इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। एंड दी सी आपके पास क्या है, फोर ऑल पॉजिटिव, फोर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर सी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ए बी सच दैट द वेक्टर ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू वी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है।
यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बोला है कि फोर ऑल पॉजिटिव नंबर सी, यहाँ पे इसने सी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जो सी है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन, ओके ओके, ग्रेटर देन नहीं, सी जो आपका है क्या है, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि ग्रेटर देन जीरो, ओके, सी ग्रेटर देन जीरो इसने पहले ही बोल दिया, यानी कि सी नॉट इक्वल टू जीरो है, देर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ए बी, अगर आपका यहाँ पे सी ग्रेटर देन जीरो है तो उनके लिए आपको इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स मिलेंगे ए बी, सच दैट द वैक्टर्स, आपके जो वैक्टर होंगे ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी, ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल टू इस अदर, क्योंकि जो आपके ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहे वो किसकी वजह से है, सी है ना, क्योंकि सी पे ऐसी कंडीशंस नहीं थी। तो इसने क्या बोला कि फोर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसने खुद ही बोल दिया कि जो सी है वो ग्रेटर देन जीरो, फोर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ए बी, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट में अपने वैक्टर्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऐसे ही जो आपका ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना, ऑप्शन डी आपका क्या है, फोर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, फोर ऑल नॉन रियल नंबर जीरो, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स सी, सच दैट द वेक्टर बी एंड एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू वी आर ऑर्थोगोनल, ओके, तो ये भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लेना एक बार, इजी है। एंड दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जी बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कितनी ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है, कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ट्रांसपोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, इफ़ क्यू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इसने कहा कि अगर क्यू आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट होगा देन ए आई जे ग्रेटर देन जीरो, फोर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हूँ जो कि क्या हो, पॉजिटिव डेफिनेट हो, और कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, सूज ए इज इक्वल टू, मैं किस टाइप से डिफाइन करूँगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, 3x3 की है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स आपके पास है ये क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा था कि इफ़ क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई जे ग्रेटर देन जीरो, फोर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब यहाँ पे देखिए क्या ए वन टू आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, क्या ए वन थ्री आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, ये सारी की सारी क्या हैं, जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, फोर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए, ओके ओके ओके, तो अब सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई आई ग्रेटर देन जीरो, फोर ऑल आई, क्या कहा है इसने, फोर ऑल आई, इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव डेफिनेट देन ए आई आई ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे,
अभी थर्ड देखिए क्या है कि इफ़ ए आई जे ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे देन क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसके लिए हम अदर एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अदर एग्जांपल लूँ ए वन 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 थ्री क्रॉस थ्री की है। अब यहाँ पे देखिए ऑल एंट्रीज क्या है ग्रेटर देन जीरो, ए आई जे क्या है ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई, क्या ये डेफिनेट पॉजिटिव डेफिनेट है? नहीं, ये क्या है नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। क्या है ये? दिस इज सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, जो हमने ये चूज़ की है इसमें क्या है ए आई जे ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, बट इसमें ट्रिक कैसी है सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो गया इनकरेक्ट। अब ऑप्शन डी देखिए इफ़ ए आई आई ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई देन क्यू इज पॉजिटिव डेफिनेट, इसी यही एग्जांपल यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे देखिए सारे की सारी एंट्रीज ग्रेटर देन आपकी जीरो हैं, ओके, लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी क्या हो गया इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, पार्ट बी का ये क्वेश्चन है तो ओनली वन ऑप्शन इज ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट है आपके पास लेट अस डिफाइन ए सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स टू बी फिबोनैकी लाइक सीक्वेंस इफ ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ फिबोनैकी लाइक सीक्वेंस। यहाँ पे हमें एक फिबोनैकी सीक्वेंस गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ फिबोनैकी लाइक सीक्वेंस। यहाँ पे ए एन हमें क्या गिवन है ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, तो यहाँ से ए थ्री क्या आएगा आपके पास ए वन प्लस ए टू। अब यहाँ पे देखिए सॉरी ए टू प्लस ए वन, ए थ्री को हम ए वन और ए टू के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ए वन को हम इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे ए वन और ए टू में, ना ही ए टू को लिख पाएंगे हम। यहाँ पे ए वन और ए टू पहले से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है, तो ए थ्री को हम लिख सकते हैं ए वन और ए टू के लीनियर कम्बिनेशन में। ऐसे ही जब हम ए फोर यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा ए फोर क्या आएगा यहाँ पर ए थ्री प्लस ए टू। अब ए टू किसके इक्वल है ए थ्री किसके इक्वल है यहाँ पे ए टू प्लस ए वन प्लस ए टू, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया टू ए टू प्लस ए वन। ओके, ऐसे ही जब ए फाइव हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा ए फोर प्लस ए थ्री, ए फोर क्या है आपके पास टू ए टू प्लस ए वन और ए थ्री किसके इक्वल है ए टू प्लस ए वन, तो यहाँ से क्या आ गया थ्री ए टू प्लस टू ए वन। ओके, अब यहाँ पे जब हम बेसिस अगर हम बेसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो बेसिस क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए थ्री को भी हम ए वन ए टू के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ए फोर को भी हम ए वन और ए टू के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ऐसे ही ए फाइव को भी हम ए टू और ए वन के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम ईजिली यहाँ पर स्पेनिंग सेट जनरेट कर सकते हैं ना, स्पेनिंग सेट हम बना सकते हैं। तो यहाँ से बेसिस आपके पास क्या आएंगी, जो बेसिस आपके पास आएंगी ए वन ए टू, ठीक है, ए वन ए टू और ए थ्री को हम क्या लिख रहे हैं ए टू प्लस ए वन, ए फोर को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे टू ए टू प्लस ए वन, ए फाइव किसके इक्वल है थ्री ए टू प्लस टू ए वन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगी ये, अगर हम ए वन को यहाँ से कॉमन निकालें तो क्या आएगा वन 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 सॉरी सॉरी सम मिस्टेक्स हेयर, ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ए वन यहाँ से निकालूँ तो वन यहाँ पे क्या आएगा जीरो, यहाँ से क्या आएगा वन और यहाँ से क्या आएगा वन एंड यहाँ पे क्या आएगा टू, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही सेकंड आपके पास क्या होगी, सेकंड आपके पास क्या होगी ए टू को निकाल लेती हूँ मैं कॉमन, तो यहाँ से क्या आएगा जीरो वन वन टू थ्री ई। ओके, तो आपके पास जो बेसिस यहाँ पे बनेंगी क्या बनेंगी, बेसिस आपके पास होगी
10112 अप टू सोन एंड 01123। ठीक है, तो आपके पास बेसिस यहाँ पे ये बनेगी। तो डायमेंशन क्या रहेगी यहाँ पे, डायमेंशन क्या रहेगी? 2, क्योंकि सिर्फ A1 और A2 के लीनियर कम्बिनेशन में हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो बेसिस आपके पास ये है, तो डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गई? 2। दिस इज इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर आपको फैब 2022 का और 2023 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली चेक कर सकते हैं।